हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का भाई स्मार्ट एक्स फिर से एक न्यू वीडियो के साथ भाई आ चुका है दिल्ली में। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन दिल्ली में पड़ता है। तो भाई यहाँ एक क्यूट लड़की बैठी है, पता नहीं हो तो शायद सैड है या रो रही है, पर अकेली बैठी है इस पार्क में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं उससे बात करूँ यार। भाई मैं जिस सिटी में रहता था ना, वहाँ वीडियो नहीं बनती थी, इसलिए भाई मैं दिल्ली आ चुका हूँ बस आपके लिए। बस यार आप अपना प्यार बरसाते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार प्लीज़। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। तो भाई चलते लड़की की तरफ, क्या होगा पता नहीं भाई, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारा भाई टाइम नहीं आया, ऐसे नहीं है। रो रही है क्या ये? फिर क्या करूँ यार मैं, क्या हुआ आपको? बहुत याद आ रही है यार उसकी मेरे। Are you okay? Hello? Excuse me? Hello? ठीक हो? नहीं यार। क्या हुआ आपको? अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो, करे याद आ रही है यार मुझे। किसकी? मेरी गर्लफ्रेंड की। क्या हुआ आपकी गर्लफ्रेंड का? छोड़ के भाग गई है वो मुझे। ठीक हो ना? आप भी तो सैड थे। आप मेरी छोड़ो, आप रो रहे हो, मैं तो ऐसे सैड थी। कोई बात नहीं, आप अपनी बताइए क्या हुआ आपको। यार मुझे आपको देख कर रोना आ गया यार। मुझे देख के रोना आ गया? हाँ जी। क्या है ना यार, मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और पता नहीं यार उसको क्या हुआ क्या नहीं। तो मुझे उसने बोला कि मैं आऊँगी जल्दी ही, उसकी फैमिली का कॉल आया तो वो चली गई यार। तब से उसका कॉल या कुछ, और मैं कॉल करता हूँ तो स्विच ऑफ बताता है। यार मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। वैसे आप ऐसे क्यों सैड बैठते थे? मेरा भी ब्रेकअप हुआ है। अच्छा जी। यार आप अकेले ऐसा बैठना नहीं चाहिए ना, इतना जंगल टाइप है। ब्रेकअप के टाइम पे क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? ब्रेकअप के टाइम पे ऐसे ही होता है ना यार, मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ है यार। तुम मत रो यार, तुम मेरे चक्कर में क्यों रो रहे हो? यार मुझे याद आ रही है ना यार, वो भी आपकी तरह ही दिखती थी यार। वो भी ऐसे ही बैठती थी मेरा वेट करते करते। तो मुझे लगा यार आप कितना प्यार करते अपनी गर्लफ्रेंड से यार। मेरा बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार मैं उससे, पर अभी वो चली गई यार छोड़कर, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसकी यादें बहुत सताती है यार मुझे। अब मत रो यार, सो के कोई बात नहीं करता। आप उसकी तरह ही दिखते हो यार। मैं उसकी तरह दिखती हूँ? हाँ जी। अच्छा आप सैड क्यों रहते हो यार, वैसे इतना सैड नहीं रहना चाहिए, आप बहुत क्यूट हो। मेरा यह बताया ना, अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। मोदी जी आपको ढूंढ रहे हैं। अरे यार कैसे बात है। अरे वैक्सीन हो ना आप तो। अब मुझे रोते रोते हंसा आ रहा है, कॉमेडी कर रहे हो आप तो मेरे यार। मैं तो है ना, भले ही मुझे दुख कितना भी क्यों ना हो, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जिससे भी बात करूँ वो हंसकर हंसे, हैप्पी रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं सैड जब देखता हूँ ना किसी को, मेरे से रहा नहीं जाता है। तो मैंने आकर यहाँ क्या है ना, अभी मैं आपको ये करने आया था, हंसाने के लिए आया था, पर अच्छा। मुझे आपको देखकर मेरे गर्लफ्रेंड की याद आई ना तो मैं रो पड़ा यार। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इरिटेट किया होगा उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप मत रो यार। क्या करूँ यार, जैसे ब्रेकअप होता है ना तो यार ऐसा लगता है कि जीना नहीं मालूम होता है यार। मैं भी ऐसे बैठी थी यहाँ पे सैड सी, मतलब कोई नहीं था, सुनसान जगह थी तो इसलिए अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के आराम से। अच्छा, उसकी मतलब उसको बहुत ज़्यादा। क्या हुआ आपका, बोले तो कब हुआ आपका ब्रेकअप? कल हो गया था जी, आप भूल जाओ ये।
तो आप भी तो नहीं भूल पा रहे ना यार अपने गर्लफ्रेंड का, तो मैं कैसे भूल जाऊंगी आपके मतलब आपके ब्रेकअप के, तो इतना टाइम हो गया मेरा तो जस्ट तो अभी भी हुआ उसने है। बोला था कि किसी और लड़की को तलाश करो, उस तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला हाँ, जो तुम्हें प्यार करे, जो तुम चाहते हो वो सब करे, वो कम्प्लीट। मैं क्या बोलूँ यार, कोई नहीं मैं समझ सकती यार आपके गर्लफ्रेंड बहुत ही यार कैसा है ना अकेला इंसान यार, आप समझ सकते हो ना यार। मैंने बस उसको एक बात बोली थी, वो तो बस यार नाराज़ होकर चली गई, बस शायद उसको वही बात बुरी लगी। ओके, वो मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाई यार, क्या ही तो बोलूँ मैं यार। इतनी छोटी सी बात वो छोड़ के चली गई। हाँ यार मैंने तो बस आपकी यार बाकी कुछ बोला भी नहीं यार उससे बस, और तो यार बस आप उसकी तरह ही दिखते हो यार सच में आप। सीरियसली यार आप बातें बहुत प्यारी करते हो। अच्छा हाँ, आपके पापा की सीट की देख रही है क्या? नहीं यार क्यों, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत स्वीट है ना, आपने नया कैरेक्टर को पीछे छोड़ दिया। देखा यार ऐसा ही हंसाता था मैं उसको बहुत ढेर सारा, फिर भी कमी नहीं कुत्ती छोड़ कर चली गई। अरे कोई बात नहीं यार, उसको आपसे जैसे मतलब आप जितना प्यार करते ना उसको कोई नहीं मिलेगा, अब बहुत ही अच्छे इंसान। मुझे तो मिल गया यार। क्या कौन लगता है ऐसे लगता है क्या होता? हाँ कौन मिल गया आपको? उसके अलावा दूसरी लड़की से भी प्यार हो गया? नहीं तो यार मुझे लगता है, मुझे लगा कि दुनिया में वही लड़की खूबसूरत है, जब मैंने आपको देखा ना तो मुझे ना दूसरा चांद दिख गया। दूसरा चांद? हाँ अब चांद से कम थोड़ी हो यार। हाँ जी तो बस हाँ तो यार अभी मैं भूल गया यार, अभी मुझे लग कि अब सब कुछ भूल गया, दुख मतलब मुझे देख के सब कुछ भूल हाँ, गया। आपका भी ब्रेकअप हो गया ना यार। हाँ। आप इतनी क्यूट हो, कैसे छोड़ा होगा यार आपकी? मैं हाँ टच कर सकता हूँ यार, मैं उसके बालों को ऐसे ही टच करता था यार। ओके बहुत प्यारे हो यार आप सच में, ये बाल बहुत प्यारे आपके। कौन से मशीन में, वॉशिंग मशीन में ये किया? शैम्पू कौन सा वाला शैम्पू? सनसिल्क। अच्छा वाह कितनी प्यारी बातें करते हैं, कितना अपुन बोले तो मैच हो गए। यार आप मेरी छोड़ो, आप इतनी प्यारी बातें कर रहे कि आप मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना सच में। हाँ मतलब मैं सब कुछ भूल गई आपकी बातों के चक्कर में, मतलब अपने एक्स को भी भूल गई। वाह मैं यही तो चाहता हूँ यार, कैसा है ना ये सब याद करके मैं नहीं चाहता कि मैं और डिप्रेशन में जाऊँ। और यार लाइफ है, अभी पहले ही कोरोना चल रहा है और आप मेरी वैक्सीन बन जाओ, मैं तो चाहता हूँ। नहीं यार मैं अपने बहुत प्यार करती थी मैं भी अपने एक्स से। छोड़ दो यार भूल जाओ। देखो तुम्हारा एक्स का नाम क्या था बोलो? छोड़ो यार जाने दो बोलो। अच्छा तुम्हें क्या पसंद है बोलो यार? कुछ तो मुझे क्या मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मुझे जो पसंद था वो सब चीज़ मेरी हर जो मतलब ख्वाहिश होती है हर एक चीज़ ला के देता था वो मुझे। अच्छा अब पता नहीं उसकी। मैं आपके लिए चांद तारे ला कर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तुम चांद तारे से कब नहीं यार। हाँ जी यार मैं क्या बोलता हूँ, वैसे आपका नाम क्या है? आरोही। आरोही आरोही माय नेम इज राहुल। क्यों राहुल क्यों? देखिए मुझे लगा आरोही बोलोगे तो आप राहुल बाबू बोलोगे। नाम है मेरा। हाँ जी बाबू नाम है मेरा। बाबू? हाँ ये बाबू नाम है या मेरा नाम ही है यार बाबू? बहुत प्यारा नाम है आपका बाबू। बाबू है नाम। ठंड बज रही है यार बहुत ज़्यादा, क्या ही बोलूँ मैं अभी। ये ऐसा है आप ही छोड़ रहे हैं यार, कनेक्शन नहीं किया कुछ, छोड़ना नहीं चाहते क्या? अरे नहीं आप बातें इतनी प्यारी कर रहे हैं। अच्छा 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 ओके यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और मुझे अच्छी लगी आप, बहुत अच्छी हो यार आप, इतनी हॉट हो आप, इतनी क्यूट हो आप, प्यार की इतनी नसीब है। मैं सोच रहा हूँ क्या है ना आपसे मिलेगा, यार अभी आपको पता था मेरा ब्रेकअप हुआ, फिर आप कैसे एडजस्ट करोगे
जा नहीं जाऊंगा यार, एक बार मौका दे के देखो, मैं तुम्हारा, मैं भी तुम्हारी फीलिंग समझ गया, तुम जो चाहते हो ना वो। हाँ जी पक्का, मैं, मुझे पता चल गया आप क्या चाहते हो। नहीं बोलूंगा, नहीं कर प्यार तो मुझे प्यार नहीं मिला है। हाँ, आपको प्यार की कमी है यार बस। आपने मुझे देखते ही ऐसे पहचान लिया, मतलब हाँ। यार कितने अच्छे लड़के हो यार आप, मुझे आपसे सीरियसली प्यार हो जाएगा ऐसी बातें करो तो कर लो ना यार, प्यार हो जाएगा, कर लो ना यार प्लीज, मैं पास आ सकता हूँ आपके। ऐसे प्रपोज करते हो, सबसे अलग ही है ये तो। ये यार मेरा एक नया तरीका है यार ये, बस यार अभी तो अच्छा लग रहा है ना आपको। मतलब तो आपके बाल बहुत प्यारे हैं यार सच्ची में। थैंक यू। वाह सच में बहुत क्यूट हो आप भी, बाबू हो और बाबू जैसे दिखते भी हो। अच्छा आपने नाम क्या बोला? आरोही। आरोही आरोही नाइस नेम। मैं आपका नाम एंजल होता हूँ। एंजल एंजल क्यों? एंजल क्योंकि आप एंजल की तरह दिखते हो ना।